मौजूदा दौर में बढ़ता तनाव बड़ी समस्या है, जिसका असर बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चों और बड़ों में किसी भी तरह की भावनात्मक, व्यवहारिक और मानसिक समस्याएं काफी गंभीर होती हैं और इसका समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है। लेकिन रोगों का इलाज दवाओं से नहीं, थेरेपी के जरिए भी संभव है। जी हाँ, मानसिक समस्याओं का इलाज साइकोथेरेपी के जरिए संभव है, जिसमें दवाओं का उपयोग नहीं होता है। मरीज से बातचीत कर वजह का पता लगाया जाता है और मन में चल रहे बुरे विचारों में परिवर्तन लाया जाता है। इस थेरेपी के जरिए लगभग हर तरह की मानसिक समस्याओं का सफल इलाज हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाड़िया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। बदलती लाइफस्टाइल के साथ तनाव एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। लगातार सुसाइड हो रहे हैं और इसी के साथ साथ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, किस परिस्थिति में लोग इस तरह के कदम उठाते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज के हमारे हेल्थ गुरु शो में। इंदौर स्टूडियो से आज हमारे साथ मौजूद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव त्रिपाठी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सर, मौजूदा दौर की स्थिति को समझा जाए तो बहुत ज़्यादा हमें ऐसी स्थिति नज़र आती है कि लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। आखिर मौजूदा दौर की स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं और जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसे कैसे कम किया जा सके? देखिए, बिल्कुल सही है कि आज के दौर में हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जिसमें बहुत ही तनाव एक बहुत आम समस्या बन गया है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुई है। पहले हम बहुत नेचर के करीब थे, हमारी एक पैटर्न, एक लाइफस्टाइल होती थी। आज हमारा ना सोने का समय होता है, ना उठने का समय होता है, और हम लगातार एक प्रतियोगिता, एक भागदौड़ की ज़िंदगी में रोज़मर्रा हम उसका सामना करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इस चीज़ का हमारी मेंटल हेल्थ पर, हमारे रिलेशनशिप पर, हमारे परफॉर्मेंस पर, हमारे सोशल बिहेवियर पर इसका इफ़ेक्ट आता है। और ये ज़रूरी है कि इस पर चर्चा की जाए, इस पर बात की जाए, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ कि वो कैसे अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, कैसे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा तनाव रहित रख सकते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, किस तरह का मानसिक रोग होता है और कितने इसके प्रकार होते हैं? देखिए, मानसिक रोग की बात करें तो मानसिक रोग से पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये मानसिक समस्याएँ होती क्यों हैं। मानसिक समस्याएं होने के कारणों में, जैसे हमने बोला कि रोज़मर्रा का तनाव है, इसके अलावा आजकल जो हम मोबाइल पर या बच्चों को देख रहे हैं, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया है, या फिर हम जो पढ़ाई को लेकर एक जो तनाव बच्चों के अंदर पैदा हुआ है, ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से मानसिक समस्याएँ पैदा होती हैं। मानसिक समस्याएँ, अगर हम ये बात करें कि मेंटल इलनेस की या मानसिक रोग की, तो एक ऐसा एक स्टिग्मा सोसाइटी में है, ऐसा लगता है कोई हम किसी ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो एक गंभीर मुद्दा है। बस यहीं से समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम इसको एक गंभीर समस्या मान लेते हैं, हम जब इसको एक मानसिक रोग की तरह देखते हैं, तो फिर हम उन लोगों को बिल्कुल डिनाई कर देते हैं जिन लोगों को वो किसी मानसिक रोग, गंभीर मानसिक बीमारी से तो ग्रस्त नहीं है, लेकिन वो हमारे पास आने में संकोच महसूस करते हैं। जैसे उनको तनाव है, किसी भी तरह का डिप्रेशन है, या किसी भी तरह की एंजाइटी है, फोबिया है, पैनिक अटैक्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम गंभीर मानसिक बीमारी जिनको हम कह सकते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए के पास आना चाहिए। किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? जैसे आपने कहा कि कुछ गंभीर होती है, कुछ कम गंभीर होती है, अगर इंडिया की बात की जाए तो किस तरह के केसेस हमारे यहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि इंडिया में एक ट्रेंड है कि हम हमेशा ही ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो रोज़मर्रा का तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको हम पार्ट ऑफ लाइफ मान लेते हैं। तो माइल्ड और मॉडरेट लेवल तक लोग हमारे पास पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि वो सिम्टम्स इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते कि वो ये समझ पाएँ कि इसमें हमको किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, या इसमें हम किसी डॉक्टर को दिखाने या किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। तो हमारे पास जो लोग पहुंचते हैं, वो ज़्यादातर गंभीर जब उनके अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे हम बात करें तो डिप्रेशन में जब उनको उनका मन पूरी तरह से उदास रहता है, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी का कोई एहसास अंदर नहीं रहता है, सुबह उठते से उनके अंदर एक तनाव और एक जिसको हम कह सकते हैं कि वो फ्रेश फील नहीं करते अपने आप को, और कोई भी काम जब उनको आता है तो एक बोझ की तरह लगता है, तो उनका परफॉर्मेंस पर उस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है। मेरे पास ऐसे डिप्रेशन के केस आते हैं, तो जब भी आएंगे तो बहुत माइल्ड तो मेरे पास बहुत कम आते हैं, मॉडरेट या सीवियर लेवल पर आते हैं। और इसके बाद एंजाइटी वाले केसेस मेरे पास बहुत आते हैं। एंजाइटी वाले केसेस में, जिनमें
हमारे पास जो सिंपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि माइल्ड और मॉडरेट लेवल पर बहुत कम आते हैं, सीवियर लेवल पर ही आते हैं। सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर में बहुत कॉमन है पैनिक अटैक, जब घबराहट बेचैनी की दौरे जैसे आने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में 10-15 मिनट के लिए घबराहट सी होती है, या फिर कोई फोबिया है, पर्टिकुलर फोबिया, जैसे हम एक सोशल फोबिया की बात करें तो नए लोगों से मिलने में, लोगों का सामना करने में उनको बड़ी दिक्कत महसूस होती है। तो ऐसे लोग हमेशा अपने कम्फर्ट जोन में रहते हैं, अवॉइडेंस दिखाते हैं, और कैसे ना कैसे वो अपनी लाइफ को अपने वो सर्वाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने लाइफ को सर्वाइव कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को उससे ठीक नहीं हो रहे हैं या उसका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं जो उनको लेना चाहिए। बहुत सही बात आपने कही। और अगर हम बात करें कि क्या वर्ग विशेष में फैलता है, और खासतौर पर अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो कितनी मानसिक समस्या उनको होती है? देखिए, बच्चों में भी अगर हम बात करेंगे कि मानसिक बीमारियां, तो गलत तरीका हो जाएगा बात करने का। बच्चों में बहुत सारी मानसिक समस्याएं होती हैं, या जिनको हम व्यवहारिक समस्याएं कह सकते हैं, या पढ़ाई संबंधी समस्याएं, या एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इनको कह सकते हैं। अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो लोगों को ये समझ में आएगा कि मतलब हमारे बच्चों को भी अगर हम किसी काउंसलर के पास या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं तो इसमें किसी भी तरह का संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि नॉर्मली भी अगर आपका बच्चा पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से अच्छा परफॉर्मेंस है, सोशल भी बहुत एक्टिव है, तो आपको एक बार काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए कि कुछ आप उसके बारे में कुछ और नया जान पाएँ, कि हो सकता है शायद उसकी कुछ स्किल्स हैं जिन पर आप शायद कभी ध्यान नहीं दे पा रहे, उनको आप आगे और इम्प्रूव कर पाएँ। तो बच्चों में बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं होती हैं, बच्चों में बहुत कॉमन है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, एक जगह शांति से बैठता नहीं है, और ऐसे बच्चे बहुत एग्रेसिव भी होते हैं और उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है। एग्रेसन और बिहेवियर प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि वो बाई बर्थ उसके साथ लेकर पैदा हुआ है, हाइपर एक्टिविटी है, लेकिन जिस तरह से हम उस बच्चे के साथ डील करते हैं, जिस तरह से हम उसको डांटते हैं, मारते हैं, उसकी वजह से बच्चा जो डिफेंसिव बिहेवियर डेवलप करता है वो हमको कहीं ना कहीं परिणाम के रूप में एक बिहेवियर प्रॉब्लम के रूप में या एग्रेशन के रूप में दिखाई देता है। जब वो बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है तब लोग हमारे पास पहुँचते हैं। ऐसे ही बच्चों में बहुत कॉमन है लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको हम डिसलेक्सिया भी कह सकते हैं, पर्टिकुलर डिसलेक्सिया एक रीडिंग राइटिंग की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लर्निंग की बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उन पर मूवी भी बनी है, तारे जमी पर एक डिसलेक्सिया का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ऐसे बच्चे जो अच्छा, पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि तारे जमी पर जो बच्चे को दिखाया गया है वो थोड़ा सा बहुत सीवियर दिखाया गया, थोड़ा ड्रामेटिक दिखाया गया है, पर कई बार अगर हम बच्चे को ये समझते हैं कि नहीं हमारे बच्चे में डिसलेक्सिया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो अगर बच्चा बाकी सभी एरिया में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर उसको रीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, राइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, मैथ्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उसमें डिसग्राफिया, मैथ्स की प्रॉब्लम को डिसकैलकुलिया, या उसको ग्राफ बनाने दिक्कत होती है तो डिसग्राफिया, ऐसे बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो ऐसे बच्चों को भी कई बार पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और ऐसे बच्चों पर भी अननेसेसरी अकारण टीचर का, पेरेंट्स का दबाव आता है, उन बच्चों में भी बिहेवियर प्रॉब्लम और एग्रेशन बहुत कॉमन है। तो उन बच्चों को पहचानना, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं जिनमें सोशल स्किल्स बहुत कम होती हैं, कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं करते हैं, वो आई टू आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर नहीं करते हैं, उन बच्चों को भी अगर हम इनिशियल लेवल पर आइडेंटिफाई कर पाएँ तो उन बच्चों के साथ भी अगर हम कुछ इंटरवेंशन शुरू करते हैं, कुछ उपचार शुरू करते हैं, तो उन बच्चों में भी काफ़ी परिणाम लाए जा सकते हैं। बिल्कुल त्रिपाठी, बहुत सही बातें आपने बताई और बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में पेरेंट्स को इन सब बातों को समझना। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि जब आप तक पहुँचते हैं तो उनको पहले थेरेपी क्लियर होना चाहिए, आखिर क्या साइकोथेरेपी है वो बताइए जी। पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो डेजिग्नेशन है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं, और एक प्रोफेशनल हमारे मेंटल हेल्थ में होते हैं साइकियाट्रिस्ट, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये दो तरह के प्रोफेशनल हैं जो सभी तरह की मानसिक बीमारियों में इंटरवीन करते हैं। साइकियाट्रिस्ट का जो इंटरवेंशन होता है वो मेडिसिन के द्वारा होता है, तो ज़्यादातर गंभीर मानसिक बीमारियों में मेडिसिन का रोल बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय पेशेंट को मेडिसिन पर हमको रखना पड़ता है। जब उसमें थोड़ा सुधार आता है तब हम उसमें साइकोथेरेपीज़ और काउंसलिंग पर हम उसको लेके जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा माना जाता है, मेडिसिन का और साइकोथेरेपीज़ का। अब हम बात करें साइकोथेरेपी क्या है। तो साइकोथेरेपी सबसे पहले तो बहुत अभी हम ये मान सकते हैं इंडिया के लिए तो बहुत लेटेस्ट है, बहुत कम लोग अभी साइकोथेरेपीज़ के बारे में जानते हैं और इसके लिए बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के द्वारा हम कम गंभीर मानसिक बीमारियों में भी बिना दवाई के सुधार ला सकते हैं, जिनमें हम डिप्रेशन को शामिल कर सकते हैं, एंजाइटी को शामिल कर सकते हैं, पैनिक अटैक हैं, सोशल एंजाइटी है, फोबियाज हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं जिनमें हम साइकोथेरेपी के द्वारा और काउंसलिंग के द्वारा पेशेंट में काफ़ी सुधार ला सकते हैं। साइकोथेरेपी काम कैसे करती है, साइकोथेरेपी एक्चुअली है क्या? साइकोथेरेपी हम ये कह सकते हैं कि एक तरह की मनोवैज्ञानिक विधि है, या हम इसको कह सकते हैं कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज हैं या मेंटल टेक्निक्स हैं,
उन मेंटल टेक्निक्स के द्वारा, उन तरीकों के द्वारा हम उसके अंदर जो उसका एक पैटर्न है, उसके जो बिलीव्स हैं, उन बिलीव्स को हम ब्रेक करते हैं, उस थॉट पैटर्न को हम चेंज करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए, क्योंकि हमेशा लोगों में बड़ा कश्मकश रहता है कि कैसे टैबलेट से ही असर करेगा, थेरेपी अगर है, और जिस तरह से आपने बताया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इंडिया के लिए, आत्महत्या के केसेस को आप किस तरह से देखते हैं, कैसे इनको रोका जा सकता है? देखिए, आत्महत्या कोई भी सडन इंसिडेंस नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है। मतलब ये जब हम बात करें तो आत्महत्या जब भी कोई व्यक्ति करता है तो वो एक दिन में नहीं होता है, वो एक लंबा समय होता है। अगर हम देखेंगे तो जब भी कोई भी आत्महत्या के ज़्यादातर केसेस जो होते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि 90 से 95% केसेज में जो सुसाइड्स होती हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में आदमी जब आता है तो वो किसी ना किसी तनाव की वजह से आता है, या फिर उसमें कोई जेनेटिक्स होते हैं, उसकी फैमिली में कोई ऐसे जेनेटिक्स होते हैं। और सुसाइड सिर्फ डिप्रेशन में नहीं है, और बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें भी सुसाइड बहुत कॉमन है। अगर हम उसको पहले से आइडेंटिफाई कर लें, पहले से हम उसको जान लें, तो उसको जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन में होता क्या है। पेशेंट थोड़ा सा कटने लगता है, आइसोलेटेड होने लगता है, कम बोलने लगता है, उसके व्यवहार में, उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको नज़र आएंगे। अगर वो चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं तो आपको तुरंत किसी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। और कई बार आपको खुद के लिए भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर पहले से कुछ नकारात्मक परिवर्तन आए हैं, तो आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए। आप अगर प्रोफेशनल के पास नहीं जा सकते हो तो सुसाइड में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, इस बार वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का थीम भी है सुसाइड प्रिवेंशन, तो सबसे पहला जो है वो है शेयरिंग। आप शेयर करें किसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, कि आपको इस तरह के विचार लगातार आ रहे हैं, या आप एक तरह की उदासी महसूस कर रहे हैं, तनाव महसूस कर रहे हैं। तो जब आप शेयर करेंगे उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और दूसरी बात, दूसरे लोगों को भी पता चलेगा, वो आपके प्रति थोड़े से सचेत होंगे और आप पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रख पाएंगे, या जिनको आप ऐसा देख रहे हैं तो आप उनको ऑब्जर्वेशन में रख पाएंगे कि वो कहीं सुसाइड जैसी स्थिति तक ना पहुंच जाए। तो अगर आपको दिखता है, इनिशियली भी आपको ऐसा दिख रहा है कि सुसाइड का टेंडेंसी है या सुसाइड के थॉट्स हैं, तो बिल्कुल ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको तुरंत किसी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। सही बात कही, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन होती है जो एकदम से बिल्डअप हो जाती है। लेकिन अगर पेशेंट का माइंडसेट है कि उसको सुसाइड करना है, तो वो प्री प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या ये हर हर पर्टिकुलर केसेस में सर इसी तरह का देखने को मिला है, या कई बार स्पॉन्टेनियस सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको सुसाइड के बारे में बताऊं कि सुसाइड एक बात तो है कि वो सडन नहीं होती है, लेकिन सुसाइड की इम्पल्स सडन आती है। ये जो इम्पल्स आती है वो 10-15 मिनट के लिए आती है, बहुत सीवियर डिप्रेशन में जब आदमी होता है। उस 10-15 मिनट में अगर उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को रोक लिया जाए, तो फिर वो, आप उसको बोलोगे भी तो सुसाइड नहीं करेगा, वो इम्पल्स चली जाती है। तो इम्पल्स में करता है एक तो बात, लेकिन वो इम्पल्स तक पहुंचने से पहले पूरा एक प्रोसेस है, वो डिप्रेशन में धीरे धीरे आता है। तो वो परिवर्तन उसमें दिखेगा आपको, उसमें खुद भी अपने आप में दिखेगा, या उसके आसपास के जो लोग हैं उनमें दिखेगा। तो उस प्रोसेस के दौरान ही अगर हम उसको समझ लें कि ये सुसाइड की तरफ जा सकता है या सीवियर डिप्रेशन की तरफ जा सकता है, तो हम उसको उसकी रोकथाम कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो बिल्कुल रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और अगर उसको कंटिन्यू कर लिया तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात करेंगे। लगातार हमारे साथ इंदौर से डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, जो लगातार बहुत सारी ऐसी बातें हमें बता रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है आज के जीवन शैली में समझना। कई बार हम ऐसे केसेस देखते हैं कि डिवोर्स हुआ, फैमिली इश्यूज हुए, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल लाइफ भी सही नहीं चल रही है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम हो गया है आज के टाइम में, आज की जनरेशन की बात की जाए। किस तरह के केसेस ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं डॉक्टर त्रिपाठी? देखिए, मैं अगर बात करूं कि मुझे किस तरह केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो बच्चों की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि बच्चों में तो प्रॉब्लम है वो तो दिखती हैं। एक मैंने आपको बताया बड़ों में जो डिप्रेशन, एंजाइटी वाले सिम्टम्स हैं वो मेरे को देखने को मिलते हैं, वो भी बहुत कॉमन है। तीसरी एक प्रॉब्लम जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें भी हम अपना इंटरवीन करते हैं, उसमें हमारा सर्विस है उसको हम प्रोवाइड करते हैं उस फील्ड में, वो है फैमिली काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग और रिलेशनशिप काउंसलिंग। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये महसूस करते हैं कि उनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, या कोई एक किसी रिलेशनशिप की वजह से बहुत तनाव में है, या फिर किसी वजह से फैमिली का एक इन्वायरमेंट बिगड़ा हुआ है, या हम बात करें कि उसका जो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है दूसरों के साथ, वो चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो सोसाइटी में है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम अपना योगदान देते हैं, हम उसमें काउंसलिंग करते हैं।
डॉक्टर त्रिपाठी, कई बार ऐसा होता है क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत ज़्यादा हिचक भी होती है लोगों में आने के लिए, वो पहले संकोच करते हैं कि हम जाए या नहीं जाए, और जब आप तक पहुंचते हैं तो क्या कोई पर्टिकुलर एज फैक्टर इस पे काम करता है, किस तरह के, क्योंकि आपको एक लंबा अनुभव है, किस तरह के पेशेंट्स आप अपने पास ज़्यादा देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि बच्चों वाले केस मेरे पास आते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको लेकर आते हैं, या फिर बड़े खुद से मेरे पास आते हैं। एक बीच का ग्रुप है टीनेज वाला, वो ना तो पेरेंट्स ला पाते हैं उनको क्योंकि वो उतने कोऑपरेटिव नहीं होते हैं या उनकी प्रॉब्लम में, या उनके अंदर उतनी अवेयरनेस नहीं होती उन चीज़ों को लेकर, या फिर जो पेरेंट्स उनको ला नहीं पाते, खुद से भी वो नहीं आ पाते। तो मेरे पास जो केसेस आते हैं वो या तो बच्चों वाले केसेस आते हैं ज़्यादा, जिनको पेरेंट्स लेकर आते हैं, या फिर वो लोग खुद से आते हैं। तो वो मेरा जो एज ग्रुप है वो ज़्यादातर 20 प्लस वाला ग्रुप है, 20 प्लस से लेकर 45 तक के लोग मेरे पास ज़्यादातर आते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन भी बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कब हमको ज़रूरत लग रही है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है। कौन सा ऐसा सिचुएशन होता है जब आपको लगता है कि वाकई अब तो आपको ज़रूरत है कि आप काउंसलिंग लीजिए स्ट्रेस को लेकर? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिग्निफिकेंस को हम पहचान पाएँ, वो सिग्निफिकेंस कैसे है, हम उसको तीन चीज़ों से समझ सकते हैं। अगर आपका तनाव या आपका डिप्रेशन या आपकी एंजाइटी या किसी भी तरह की मानसिक समस्या आपके डेली रूटीन को इफेक्ट कर रही है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रही है, और आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रही है, तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है जिसको आपको ये समझ सकते हैं आप कि मुझे इस लेवल पर अब काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, अब कोई प्रोफेशनल ही उसमें मेरी हेल्प कर सकता है। तो ये एक तीन सिचुएशन है जिसमें आप अपने को काउंसलिंग के लिए आप जाना चाहिए, ये आप समझ सकते हैं। अच्छा, समाज में बढ़ रहे अपराध को किस तरह से आप देखते हैं? समाज में अगर हम अपराध की बात करें तो हम अपराध को भी एक मानसिक समस्या के रूप में देखते हैं। अगर हम देखेंगे बहुत सारे अपराध जो होते हैं, जैसे हम बात करें कि जो फैमिली पैथोलॉजिकल फैमिली है या क्रिमिनल फैमिली है, तो वो तो उसमें आपको ट्रेड्स भी मिलेंगे, उनके बच्चों में ही वो ट्रेड्स आएंगे, भले ही उन बच्चों को आपने अलग कहीं उनकी परवरिश की हो, पर आप देखेंगे कि वो क्रिमिनल वाली जो एक टेंडेंसी है वो बच्चों में आती है। तो वो जेनेटिक्स होते हैं, अगर वो क्राइम के जेनेटिक्स हैं इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं मानसिक समस्या है, एक तो ये एक पॉइंट है। दूसरा, जो अपराध होता है, अगर वो जेनेटिक्स नहीं है पर जो अपराध होता है, वो उसमें मानसिक समस्याओं का बहुत बड़ा रोल है। एक पैरानॉइड डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, पैरानॉइड डिसऑर्डर में ये एक मानसिक बीमारी है। जैसे हम बोलते हैं शंका का कोई इलाज नहीं होता, ऐसा नहीं है, शंका का भी इलाज होता है, क्योंकि शंका एक बीमारी है। पति पत्नी पर शंका करता है या पत्नी पति पर शंका करती है, तो ये आपको बहुत आए दिन आपको पेपर में सुनने को मिलेगा कि उसने शंका में पत्नी की हत्या कर दी, या पति उस पत्नी को उसके दूसरे संबंधों का उस पर शंका थी इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। तो एक पैरानॉइड डिसऑर्डर, डिप्रेशन में भी लोग बहुत सुसाइड करते हैं। तो ये अगर आप किसी भी तरह की मानसिक समस्या में हैं तो पूरी संभावना है कि वो आप अपने खुद के ऊपर कोई क्राइम कर सकते हैं या आप दूसरों के ऊपर कोई क्राइम कर सकते हैं। ये बहुत सही फैक्ट आपने रखा, लेकिन जितना महत्वपूर्ण आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, आपको नहीं लगता अगर शासन प्रशासन इस दिशा में काम करे तो जिस तरह से जो रेट्स बढ़ रहे हैं अपराध के, हर फैक्टर की अगर बात करें, तो एक कारगर सिद्ध होगा, लोगों तक अवेयरनेस पहुँचेगी और लोग फिर अपने आप ही इस तरह के अगर तनाव में रहेंगे तो ज़रूर आप तक पहुँचेंगे? बिल्कुल, सरकार काफ़ी लंबे समय तक तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था, फिजिकल हेल्थ पे जितना काम हुआ था, फिजिकल हेल्थ पर भी हमारे अभी तक उतना काम नहीं हो पाया जितनी आवश्यकता है, तो मेंटल हेल्थ तो बहुत पीछे छूट जाती है। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने, प्रशासन ने इस दिशा में काम करना शुरू किया है। अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ सेंटर्स डेवलप किए हैं, साइकोलॉजी सेंटर डेवलप किए हैं जहाँ पर लोग जाके अपना इलाज ले सकते हैं। बहुत गिने चुने हमारे देश में मेंटल हॉस्पिटल थे, बस वही गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसिलिटी थी जिसमें अपन अपनी सुविधाएं ले सकते थे। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक डिपार्टमेंट डेवलप किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेवलप किया जा रहा है, साइकेट डिपार्टमेंट डेवलप किया जा रहा है, वहाँ पर सारे प्रोफेशनल्स अवेलेबल होंगे। अभी हालांकि क्योंकि कमी है ऑलरेडी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की, तो उतने संख्या में अभी हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगी सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात हुई है। स्कूल्स में आपने कभी काउंसलर्स के बारे में नहीं सुना होगा, वो एक काउंसलर का एक कॉन्सेप्ट आया है, हालांकि अभी वो गवर्नमेंट स्कूल्स में तो अभी नहीं आया, शायद अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट स्कूल में भी शुरू कर रहे हैं, अभी आपको मिलेगा सुनने को, प्लानिंग में है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में भी पूरी तरह से, सभी प्राइवेट स्कूल्स में काउंसलर्स नहीं है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन आपको कुछ स्कूल्स में काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे
तो ये एक शुरुआत तो हुई है, लोगों में अवेयरनेस आई है कि साइकोलॉजी का क्या रोल है, काउंसलिंग का क्या रोल है, और हम ये कह सकते हैं कि अभी हालांकि उस लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पाए, पर एक शुरुआत सरकार ने और प्रशासन ने की है और इसको और आगे ले जाया जाए तो और भी अच्छा होगा। बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर एक अच्छी शुरुआत होगी तो जिस तरह का स्ट्रेस है उसको कम किया जा सकता है। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका भी एक काउंसिल सेंटर है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी जी, मेरा सेंटर है समर्थ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर, ये इंदौर में मैं 2005 से रन कर रहा हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि साइकोथेरेपी सेंटर और इस तरह का एक क्लिनिकल एक साइकोलॉजिकल सेंटर इंडिया में एक पहला था जो मैंने शुरू किया था। उसके बाद अब काफ़ी तमाम साइकोलॉजी सेंटर डेवलप हुए हैं। साइकोथेरेपी कॉन्सेप्ट के प्रति जो अवेयरनेस लोगों में आई है या जो एक शुरुआत हुई है, वो कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा ही लाया गया। साइकोथेरेपी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। सबसे पहले लोग जब भी वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो लोग पहले काउंसलिंग और साइकोथेरेपीज प्रेफर करते हैं, मेडिसिन में बाद में जाते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए लोग हमेशा छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी दवाइयों की तरफ जाते थे। अब लोगों में वो चेंजेस आए हैं, लोग साइकोथेरेपी और काउंसलिंग की तरफ आगे आ रहे हैं, उससे उसको समझ रहे हैं, उसको उसकी जानकारी लोगों को मिल रही है। ये मेरा सेंटर इंदौर में हेरिटेज बिल्डिंग में है, MG रोड पर है। यहाँ पर लोग आकर मुझसे परामर्श लेते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान लेते हैं, और मैं काफ़ी लंबे समय से लगातार इंदौर में और आसपास के क्षेत्रों में अपनी मानसिक समस्याओं से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 से बात करने के लिए डॉक्टर त्रिपाठी। तो मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बहुत हर छोटे छोटे पहलू पर नज़र डाली, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि दवाइयों के अलावा भी कुछ ऐसी थेरेपी आज के समय में है जिससे आप तनाव रहित रह सकते हैं। हम भी यही अपील करते हैं कि आज का जो जीवन शैली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, हर कोई इस बात को समझता है, लेकिन किस तरह से एनर्जेटिक के साथ साथ आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस शो से कहीं ना कहीं आप लोगों में जितना भी स्ट्रेस है उसको कम करने की टिप्स मिली होगी। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहिए IBC 24 के साथ।